भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र करोड़ी बाजार में मुहर्रम पर्व को लेकर वरीय अधिकारी के आदेश के अनुसार अहले सुबह छापामारी अभियान चलाया गया। वहीं छापेमारी के दौरान राजेश चौधरी पिता स्वर्गीय शिव चौधरी के मकान में 13 लीटर देसी दारू एवं दारू कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं हबीबपुर थाना की पुलिस सक्रिय दिखाई दे रही है। भागलपुर तातरपुर चौक पर अहले सुबह भारी जाम को देखते हुए एक युवक सड़क पर उतर गए। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस नहीं रहने के कारण तातरपुर चौक पर सुबह 10:30 बजे काफी जाम लग गया था। भारी जाम को देख एक युवक को रहा नहीं गया और युवक जाम को हटाने के लिए चौक पर उतारू हो गए। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में नवगछिया ने नए अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार का स्वागत किया, तो दूसरी तरफ पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर सभा का संचालन गोपालपुर के बीडीओ प्रियंका कुमारी कर रही थी। मौके पर अनुमंडल कर्मियों ने मुकेश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की और नए एसडीओ अखिलेश कुमार का स्वागत करते हुए सामंजस्य के साथ कार्य में सहभागिता दिखाने का वादा भी किया। सर्वप्रथम इस नवगछिया के सभी सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष के कार्यकाल से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उन लोगों ने हर समय बढ़ चढ़ करके प्रशासन का सहयोग दिया। मुझे आपकी जरूरत थी और आप लोगों ने मेरे तरफ हर समय कदम बढ़ाया। किसी भी पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के लोगों के बारे में समझे, वहाँ की आवश्यकताओं के बारे में समझे और जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक नियम कानून प्रवेश करता हो उसके दायरे में काम किया जाए। मैं भी जब आज से 2.5 वर्ष पहले यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में एक प्लान था नवगछिया के बारे में। मैं सच कहूँ तो जब मेरा नवगछिया पदस्थापन हुआ था तो मन में एक अजीब सा भय था, ये कौन से बेंगल में चला गया और पता नहीं क्यों मेरा पदस्थापन नवगछिया हुआ। आज मुझे लगता है कि शायद ये प्रारब्ध था और इतने लोग मर्यादा मुझे किसी भी पदस्थापन में नहीं मिला जितना मुझे अदब लगता है। दिल में कुछ तमन्नाएं थी कि मैं उन सभी कार्यों को करूं, जहां कहीं भी अपनी इच्छाएं रखी आप सबों ने बढ़ चढ़ करके उसको पूरा करने का।